Hello friends, welcome back in my new video, myself SKT Agarwal. Now in this video we will talk about important disease for subject plant pathology. तो जो भी students plant pathology से related या किसी भी botany से related exams की preparation कर रहे हैं उनमें जो disease का portion है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. तो जो भी ऐसे बोटनी की कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है या कोई भी ARS पैथोलॉजी से या अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है उनसे रिलेटेड, तो उनमें खास तौर से डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है. तो यहाँ पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज. यहाँ पर अपन ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है, जैसे रिंग डिजीज़ और बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो. जो डिजीज़ किसके द्वारा कोज की जाती है, रिंग डिजीज़, तो ये सूडोमोनास सोलेने सीरम के द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है. तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डिजीज़ है. अगला अपन देखें रिंग रोट ऑफ पोटैटोज या पोटैटो, रिंग रोट ऑफ पोटैटो जो कोरिनी बैक्टीरियम सेपेडोनिकम के द्वारा डिजीज कोज की जाती है. अगला अपन देखें सीट्रस कैंकर, जो अपन नाम से भी है सीट्रस कैंकर, जो सीट्रस फैमिली हैं उनके प्लांट्स में देखने को डिजीज मिलती है जो जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा कोज की जाती है. अगला अपन देखें बैक्टीरियल स्ट्रिप ऑफ सोरगम, सोरगम में बैक्टीरियल स्ट्रिप की डिजीज़ जो है वो किसके द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा सूडोमोनास एंड्रोपोगोनी, सूडोमोनास एंड्रोपोगोनी. अगला अपन देखें बैक्टीरियल स्ट्रिप ऑफ सोरगम, ऊपर वाली जो थी वो बैक्टीरियल स्ट्रिप थी, जबकि यहाँ पर अगला है बैक्टीरियल स्ट्रीक ऑफ सोरगम जो जेंथोमोनास होल्सी कोला, जेंथोमोनास होल्सी कोला के द्वारा डिजीज कोज की जाती है. अगला अपन देखें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ सोरगम, जो बैक्टीरिया की लीफ है या बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाने वाली लीफ के ऊपर स्पॉट हैं किस पे, सोरगम के, तो वो डिजीज़ किसके द्वारा की जाती है, सूडोमोनास सिरिंगी. तो यहाँ पर सूडोमोनास सिरिंगी जो डिजीज़ है मतलब किसके द्वारा होती है, तो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ सोरगम डिजीज़ सूडोमोनास सिरिंगी बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है. अगला अपन देखें लीफ स्पॉट ऑफ पियर मिल्ट, तो पियर मिल्ट के अंदर जो लीफ स्पॉट डिजीज़ है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, जेंथोमोनास पेनिसेटी, पेनिसेटी के द्वारा डिजीज कोज की जाती है. अगला अपन देखें ब्लाइट और स्पॉट ऑफ फिंगर मिल्ट, तो यहाँ पर ब्लाइट और स्पॉट ऑफ फिंगर मिल्ट डिजीज किसके द्वारा कोज की जाती है, तो सूडोमोनास एल्बो प्रेसिपिटेंस, तो सूडोमोनास एल्बो प्रेसिपिटेंट के द्वारा कोज की जाती है. अगला अपन देखें ब्राउन स्ट्रिप ऑफ फिंगर मिल्ट, यहाँ पर ऊपर वाली थी ब्लाइट और नीचे वाली है ब्राउन स्ट्रिप ऑफ फिंगर मिल्ट, तो ये डिजीज़ कोज की जाती है सूडोमोनास सेटरी, सूडोमोनास सेटरी के द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है. अगला अपन देखें फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, जो फायर ब्लाइट है एप्पल और पियर के अंदर वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो वो इरविनिया एमाइलोवोरा, ये लास्ट बार एग्ज़ाम में जो RPSC की एग्ज़ाम थी उसमें पूछा भी गया था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किसके द्वारा कोज की जाती है, इरविनिया एमाइलोवोरा बैक्टीरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है. अगला अपन देखें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जेंथोमोनास ओराइजी, जो कौन सी क्लास का मेम्बर है, साइजोमाइसिटीज का एक मेम्बर है जेंथोमोनास ओराइजी. तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ है.
अगले अपन देखते हैं, जैसे फंगल डिजीज़। यहाँ पर फंगल डिजीज़ के बारे में कि कौन सी फंगल के द्वारा कौन सी डिजीज़ कौन से प्लांट में की कोज की जाती है, साथ में उनकी क्लासेस दी गई है, कौन सी क्लास से वो जो पैथोजन है वो बिलोंग करता है। जैसे अपन देखें, फर्स्ट डिजीज़ वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एंड अदर क्रूसीफेर मेंबर्स। तो वाइट रस्ट डिजीज़ जो है एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा कोज की जाती है, कोनिडिया बनते हैं इसके अंदर, और जो एपिडर्मिस है वो कोनिडिया के प्रेशर के कारण से फट जाती है। तो वो जो डिजीज़ है पाउडर के रूप में बाहर दिखाई देती है, तो इसे अपन बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड या क्रूसीफर। एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा कोज की जाती है, और एल्बुगो कैंडिडा जो है वो किस क्लास का मेंबर है, उमाइस्टीज क्लास का एक मेंबर होता है। आगे अपन देखें ब्लाइट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर की ब्लाइट डिजीज़ जो अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी के द्वारा कोज की जाती है, और अल्टरनेरिया किसका मेंबर है, अल्टरनेरिया एक ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या इम्परफेक्ट क्लास ऑफ फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है या अपन कहें रिड्यूज होता है, तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। अगला अपन देखें क्लब रोट ऑफ क्रूसीफर। क्लब रोट ऑफ क्रूसीफर जिसे अपन फिंगर एंड टॉय डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जो डिजीज़ किसके द्वारा कोज की जाती है, तो ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकेसी के द्वारा कोज की जाती है, ब्रेसिकी के द्वारा कोज की जाती है। और जो प्लाज्मोडियोफोरा जो मेंबर है वो किसका है, उमाइस्टीज का एक लो क्लास का मेंबर है, प्रिमिटिव क्लास का मेंबर है। अगली डिजीज़ अपन देखें डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर किसके द्वारा कोज की जाती है, तो प्रोनोस्पोरा पैरासाइटिका, प्रोनोस्पोरा पैरासाइटिका के द्वारा डाउनी मिल्ड्यू। जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर अपन ने देखा प्रोनोस्पोरा पैरासाइटिका, और क्लास किसका है, ये मेंबर उमाइस्टीज का मेंबर है। अगली डिजीज़ अपन देखें पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ देखने को मिलती है, वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो एरिसाइफी क्रूसीफेरम के द्वारा कोज की जाती है। और एरिसाइफी जो मेंबर है वो किसका है, एस्कोमाइकोटिना या एस्कोमाइस्टीज मेंबर कहें अपन, एडवांस फंजाई का मेंबर है। आगे अपन देखें डंपिंग ऑफ सीडलिंग जिनमें जो सीडलिंग है वो डंपिंग मतलब प्रॉपर रूप से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं या फोल्डेड रह जाते हैं, तो डंपिंग ऑफ सीडलिंग सीड रोट रूट रोट सॉफ्ट रोट इज कॉज्ड बाय पाइथियम स्पीसीज। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के लास्ट में कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया था कि डंपिंग ऑफ सीडलिंग डिजीज़ किसके द्वारा कोज की जाती है, तो ये पाइथियम स्पीसीज के द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है। और पाइथियम जो एक मेंबर है वो किसका है, लोअर फंजाई उमाइस्टीज का मेंबर है। आगे अपन देखें स्टेम और फुट रोट ऑफ पपैया डिजीज़ किसके द्वारा कोज की जाती है, तो ये डिजीज़ पाइथियम एफिनी डर्मेटम क्लास उमाइस्टीज। तो यहाँ पर पाइथियम एफिनी डर्मेटम के द्वारा डिजीज कोज की जाती है, स्टेम और फुट रोट ऑफ पपैया। आगे अपन देखें राइजोम एंड रूट रोट ऑफ टर्मेरिक। तो यहाँ पर राइजोम एंड रूट रोट ऑफ टर्मेरिक जो हल्दी है टर्मेरिक, उसमें जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो पाइथियम के द्वारा डिजीज कोज की जाती है, पाइथियम एफिडर्मेटम आ जाएगा, तो क्लास आ जाएगी उमाइस्टीज। इस प्रकार से ये फंजाई रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे अपन देखें
फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मेरिक, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मेरिक ये अपन ने अभी ऊपर देखा था, ये तो टर्मेरिक अलग क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर था राइजोम एंड रूट रोट ऑफ टर्मेरिक। तो आगे अपन देखें लीफ स्पॉट ऑफ टर्मेरिक, तो ये जो लीफ स्पॉट है टर्मेरिक के अंदर वो किसके द्वारा कोज किया जाता है, तो वो है टेफ्रिना मेकुलेंस के द्वारा कोज किया जाता है। और टेफ्रिना जो मेंबर है वो किसका है, एस्कोमाइस्टीज या एस्कोमाइकोटीना का एक मेंबर है। आगे अपन देखें कोलेरोगा और महली डिजीज या महली डिजीज ऑफ एरिका पाम, एरिका पाम के अंदर जो महली डिजीज है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो फाइटोप्थोरा एरेकी के द्वारा कोज की जाती है। आगे अपन देखें डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज किसके द्वारा कोज की जाती है, तो प्लाज्मोपेरा विटिकोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेप्स की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। रस्ट डिजीज ऑफ लिनसीड्स, लिनसीड या फ्लैक्स, लिनसीड की जो रस्ट डिजीज वो किसके द्वारा कोज की जाती है, तो वो मेलेम्पोस्पोरा लिनी के द्वारा डिजीज कोज की जाती है लिनसीड के अंदर, जो क्लास का मेंबर है बेसिडियोमाइसिटिस का। आगे अपन देखें लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के अंदर लीफ रस्ट डिजीज जो है वो हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स क्लास बेसिडियोमाइसिटिस। अगला क्वेश्चन अपन देखें स्टेम ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, स्टेम के अंदर ब्लैक रस्ट ऑफ वीट किसके द्वारा कोज की जाती है, तो वीट के अंदर जो डिजीज़ है ये रस्ट डिजीज़, वैसे पक्सीनिया के द्वारा डिजीज़ कोज की जाती है, और अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग इनकी जो डिजीज़ है उनकी जो स्पीसीज़ है वो अलग अलग है, जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। और पक्सीनिया किसका क्लास का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटिस है, जिसमें 5 प्रकार के स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। और पक्सीनिया एक हेट्रोइशियस पैथोजन है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के ऊपर कंप्लीट करता है, पहला वीट और सेकंड बर्बेरिस, तो इस प्रकार से हेट्रोइशियस प्रकार का मेंबर है। आगे अपन देखें येलो स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट, पक्सीनिया स्ट्री फॉर्मिस, तो येलो स्ट्रिप जो है रस्ट डिजीज ऑफ वीट वो पक्सीनिया तो है, लेकिन यहाँ पर स्पीसीज कौन सी आ जाएगी, स्ट्री फॉर्मिस क्लास आ जाएगी बेसिडियोमाइसिटिस। आगे अपन देखें ब्राउन ऑरेंज रस्ट ऑफ वीट, ब्राउन ऑरेंज रस्ट ऑफ वीट पक्सीनिया रिकोंडिटा के द्वारा कोज की जाती है, पक्सीनिया रिकोंडिटा, तो यहाँ पर इसी को अपन बोल सकते हैं पक्सीनिया ट्रिटिसिना। अगला अपन देखें लूज स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट किसके द्वारा कोज की जाती है, लूज स्मट मोस्टली अस्टीलेगो के द्वारा कोज किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अस्टीलेगो नूडा स्पीसीज, जो अस्टीलेगो किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटिस का एक मेंबर है। फ्लेग स्मट ऑफ वीट, तो यहाँ पर फ्लेग स्मट जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई क्लास यूरोसिस्टिस जो मेंबर है वो किसका है, बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है। अगला अपन देखें रफ स्पोर्ड बंट और स्टिकिंग स्मट ऑफ वीट, जो डिजीज़ कोज की जाती है वो किसके द्वारा कोज की जाती है, टिलेशिया कैरिस के द्वारा कोज की जाती है, ये जो टिलेशिया है वो मेंबर किसका है, बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे अपन देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हो जाएगी, इसलिए अपन इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।